नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर में 20 जून को एक कोचिंग स्टूडेंट से गैंगरेप और हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि दिनेश नोखा में छिपा हुआ था। नोखा के बाद वो नवलगढ़ चला गया। बीकानेर पुलिस लगातार उस पर नजर रखे हुए थे। आरोपी को पुलिस ने सीकर से पकड़ा है। इससे पहले आरोपी दिनेश बिश्नोई पर पुलिस से मिलीभगत के आरोप भी लगे थे। पुलिस वालों से उसकी दोस्ती थी और उसे बचाया जा रहा है। दरअसल खाजूवाला कस्बे में 20 जून को एक युवती का शव मिला था। युवती के पिता ने खाजूवाला थाने के कांस्टेबल मनोज और भागीरथ के साथ दिनेश बिश्नोई पर रेप व हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पिता ने बताया था कि युवती हर रोज सुबह कोचिंग जाती थी। मंगलवार को भी वो घर से कोचिंग के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उसके साथ यह घटना हुई। परिजनों की ओर से थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं इस मामले में दोनों पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान में 48,000 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बोर्ड ने 3 दिन आगे बढ़ा दिया है। अब ऐसे में लेवल 1 और लेवल 2 में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी 3 जुलाई तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद आगामी प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा फिर से नोटिस जारी किया जाएगा। इसके आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग मिलेगी। बता दें कि इससे पहले बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को 21 से 30 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वक्त दिया गया था, लेकिन काफी छात्र ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, जिसके बाद अब बोर्ड ने 3 दिन वेरिफिकेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में 212,342 में से 196,696 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि लेवल 2 में 753,023 अभ्यर्थियों में से 705,629 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। भरतपुर के हलैना थाना इलाके में एक पिकअप पलट गई, जिसमें एक 17 साल के किशोर और एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल हो गए। सभी लोग एक ही परिवार के थे। जानकारी के अनुसार वैर थाना इलाके में जीवत गांव का एक परिवार हलैना थाना इलाके के धरसोनी गांव जा रहे थे। धरसोनी गांव में एक भागवत हुई थी। भागवत के समापन के बाद वहां भंडारे का आयोजन किया गया था। एक ही परिवार के 10 लोग भंडारे से प्रसादी ग्रहण कर वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी हलैना थाना के धरसोनी और आजादपुर गांव के बीच पिकअप के सामने गाय आ गई। अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप के पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची हलैना पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 17 वर्षीय दिव्यांश और 35 वर्षीय जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के धर्मशाला की ढाणी तन धिंगड़िया निवासी रोहित कुमार स्वामी को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से नाबालिग लड़की को भी बरामद किया है। आरोपी ने कुछ दिन पहले सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया था। इस संबंध में नाबालिग बालिका के परिजनों ने 26 जून को थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने टीम बनाकर हरियाणा से अलग अलग जगह दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी के हरियाणा में होने की सूचना मिली। पुलिस ने टीम बनाकर हरियाणा में दबिश देकर आरोपी को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र में हुई कबाड़ी फिरोज बेंडा की हत्या के आरोप में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इम्मू चांदी ने जेल में बंद रहने के दौरान हत्या की साजिश रची। हत्या करने वाले को बाइक इनाम में देने व जमानत करवाने का आश्वासन दिया था। इसी आश्वासन पर कपिल मिर्जा ने सद्दाम हुसैन को तैयार किया। पुलिस ने 24 वर्षीय इमू चांदी व 20 वर्षीय कपिल मिर्जा को गिरफ्तार किया है। कपिल मिर्जा के खिलाफ 17 व इमू चांदी के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं। CI हरलाल ने बताया कि जांच में सामने आया मृतक फिरोज और सिराज चिग्गा दोनों आपस में भाई हैं, जिनके आरोपी इमू चांदी से पुरानी लंबी रंजिश चल रही है। साल 2020 में इमू चांदी ने गोली मारकर फिरोज की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन फिरोज बच गया था। उसके बाद से दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। घटना से 15 दिन पहले इमू चांदी जेल में था, वहाँ कपिल मिर्जा भी बंद था। इमू चांदी ने कपिल मिर्जा को पैसों का लालच देकर हत्या की प्लानिंग बनाई।
अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत गांधीनगर क्षेत्र में क्लर्क के घर बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों द्वारा पूरे मकान को खंगालते हुए सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। चोरों ने अलमारी से 25 तोला सोना, 7 किलो चांदी, 40,000 रुपए नकदी, कपड़े और महंगी घड़ियों के साथ ही अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित क्लर्क पंचशील निवासी बालकिशन सोनी ने बताया कि उनका दूसरा मकान गांधीनगर क्षेत्र में है। करीब एक महीने से उस मकान में नहीं गए थे। सूचना मिली कि उनके मकान के ताले टूटे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद वह मकान पर पहुंचे तो घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ मिला। चोर मकान से 25 तोला सोना, 7 किलो चांदी, 40,000 रुपए नकदी, साड़ियां, महंगी घड़ियां और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी हुए माल की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। उदयपुर के हाथीपुल थाना क्षेत्र में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ 15 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में रेजिडेंट डॉक्टर का नाम नहीं है। परिजनों का कहना है कि वे और उनके बच्चे डॉक्टर को चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं पता। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपने भाई के साथ पेट दर्द की शिकायत लेकर राजकीय महाराणा भोपाल हॉस्पिटल गई थी। नाबालिग को चाइल्ड हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया। इसके बाद जब नाबालिग बेड पर अकेली थी तब डॉक्टर ने उससे अश्लील हरकत की। डॉक्टर ने नाबालिग को कहा कि मेरे पर्सनल रूम में चलो, मसाज कर देता हूँ। उसके साथ फिजिकल संबंध बनाने के भी आरोप लगे हैं। डॉक्टर ने सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी मांगी। नाबालिग इतना घबरा गई कि वह हॉस्पिटल से बिना डिस्चार्ज लिए भाई के साथ घर आ गई। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए। चूरू जिले के दुधवाखारा थाना क्षेत्र में सड़क पर दौड़ती जीप पर पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। पीपल के पेड़ की टहनी गिरने से जीप में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप में सवार 3 लोग घायल हो गए। 2 घायलों को गंभीर हालत में डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। दुधवाखारा निवासी उसामा ने रिपोर्ट दी कि उसका ताऊ 55 वर्षीय मोहम्मद इशाक चूरू दवाई लेने गया था। दवाई लेकर वापस अपने गांव लौट रहा था। दुधवाखारा स्टेशन से जीप में बैठकर गांव आ रहा था। रास्ते में गांव के पास पीपल के पेड़ की टहनी टूटकर जीप पर गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे में सिरसली निवासी 45 वर्षीय राजेंद्र और सांको निवासी 35 वर्षीय हाकम खान घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में हरियाणा से आ रहे पिकअप ड्राइवर पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर 2 लाख रुपए लूट लिए। अज्ञात बाइक सवार युवकों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। घटना सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के बुहाना रोड पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास की है। पिकअप चालक नारनौल हरियाणा से आ रहा था। इस दौरान रास्ते में कुछ बाइक सवार युवकों ने पिकअप के आगे बाइक लगाकर चालक पर हमला किया और गाड़ी में रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वही हमले में चालक भी घायल हो गया। मैं पालवास निवासी राजेश कुमार ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मारपीट कर 2 लाख रुपए लूटने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ औद्योगिक क्षेत्र चंदेरिया रिको एरिया में मार्बल टाइल्स फैक्ट्री में हादसे में मजदूरों की मौत के बाद हंगामा हो गया। चंदेरिया सीआई कैलाश चंद्र ने बताया कि चंदेरिया रिको एरिया में स्थित सांवलिया टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में कार्य के दौरान मजदूर रतन भील को करंट लग गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बोरदा निवासी पप्पू गिरी बचाने गया। इस दौरान वह भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों सहित ग्रामीणों को इसका पता चला तो वे आक्रोशित हो गए। सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग फैक्ट्री पहुंच गए। मृतक के परिवार की स्थिति को देखते हुए 50 लाख तक के मुआवजे की मांग करते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया। आखिरकार 12,75,000 का मुआवजा राशि तय हुआ। मृतक पप्पू अपने 3 पुत्र पुत्रियों पत्नी सहित पिता का भरण पोषण भी कर रहा था। सादुलपुर थाना क्षेत्र के नेतजी मंदिर के पास बंद मकान में चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 40,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक मोहम्मद हुसैन विदेश में नौकरी करता है। उसकी पत्नी सबीना बानो चूरू गई हुई थी। इस दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारियों में सोने के 2 बिस्किट, सोने का हार, विदेश से लाया हुआ डोरा आदि, 90 ग्राम सोने के गहने, 40,000 नगद और 2 किलो चांदी के जेवर आदि के अलावा अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।